नमस्कार सभी को। हमें अभी हमारे साथ है इंडिया के, बोल सकते हैं, सीनियर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट विधायक दास जी हमारे साथ, जो आए थे यहाँ के मीडिया फ्रेटर्निटी और अरुणाचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वर्कशॉप के लिए। सर से जानते हैं सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो आप एक्सपीरियंस शेयर करें, यहाँ आके आपको कैसा लगा सर? आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल जब से आए हम शाम को यहाँ, अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं, यहाँ पे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है जो मुझे मिलता नहीं है अगर मैं किसी सिटी में हूँ। जैसा कि मैं गुवाहाटी से आया हूँ और आपको पता है कैसा हमारा शहर में कितना नॉइज़ है, पोल्यूशन है, ये सब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब से मैं कल आया हूँ, लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ के बहुत फ्रेंडली हैं एक तो, और दूसरा चीज़ यह है कि जो लोगों में एक उत्साह है कि हम कुछ करें एज अ जर्नलिस्ट, जो यंग है ना, वो मुझे ये पूछ रहा है, सर हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, इज़ इट ओके, हम करें कि नहीं। मैं यही बता रहा हूँ, प्लीज़ करो। जी सर, आपको वो जो वर्कशॉप आज रखा था यूनिवर्सिटी में सर, उसका एक्सपीरियंस बताया, किस तरीके आपको कैसा लगा, और यहाँ के जो मीडिया फ्रेटर्निटी जो आए हैं यहाँ पे साथ में, और जब वहाँ के स्टूडेंट थे उसके साथ में एक्सपीरियंस सर? आप भी तो थे ना, आपको भी शायद अच्छा ही लगा होगा, है ना? मुझे तो शायद अच्छा ही लगा, क्योंकि ये मेरा पहला बार है और मैं लोगों से बातचीत करने मुझे अच्छा लगता है। सेशन बहुत इंटरैक्टिव था, टॉपिक था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, लेकिन हम और भी मुद्दे पे बात किए और काफ़ी सारा प्रश्न पूछे गए और मैं कोशिश किया कि मैं उसका उत्तर सही तरह से दूँ, और पता नहीं सेटिस्फाई कर पाए कि नहीं, लेकिन सेशन ओवरऑल मुझे तो लगता कि अच्छा ही था। और बहुत सारा यंग स्टूडेंट्स थे आपके तरह, यंग जर्नलिस्ट थे, और बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आज के ज़माने का जो टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है, ये सब सब उभर आया डिस्कशन में। और मुझे लगा कि ये सब मुद्दे हैं ना, सब ये सब मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे खुशी है कि हमने काफ़ी कुछ जो मुद्दे है जो इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, वो सब विषय हमने आज डिस्कस की। सर, जैसे कि आप बहुत सारे देशों में घूम चुके हों, तो आप अरुणाचल और स्पेशली नामसाई को दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसा अलग रहेगा सर? एक तो है कि मैं बहुत टाइम म्यांमार में था, बहुत साल, और थाईलैंड में, मैं साउथ ईस्ट एशिया में बहुत काम कर चुका हूँ, अभी भी करता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखाई देता है जो अरुणाचल के लोग हैं, है ना, म्यांमार के लोगों के साथ, इनका कल्चर जो है, यहाँ पे जो नामसाई में जो ये टब, हम जो ये पगोडा में बैठे हुए हैं, ये पगोडा के हर एक चीज़, जिसको सिंह बोलते हैं, इसको लायन जो है, जो बाकी सब देवी देवता या ऋषि मुनि मंक के जो स्टैचूज़ है, और पगोडा जो है, इतना कुछ मिलता नहीं है, ये पूरा बर्मीज, मुझे लग रहा है कि काफ़ी थोड़े टाइम के लिए मैं जब बैठा रहता हूँ, अकेला यहाँ बैठता हूँ, तो मुझे लगेगा कि मैं शायद यांगोन में या बर्मा के कोई पगोडा में बैठा हुआ हूँ। तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं लोगों में, कल्चर, उनके खाना, उनके स्वभाव, है ना, पोशाक, सब कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। डिसिमिलैरिटीज़ मुझे लगता बहुत ही कम है अगर है तो। सर, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट सर, आप बहुत सारे पेपर्स में काम कर सकते हो, मतलब रिनॉन पेपर्स में काम कर चुके हो, और अभी एज अ इंडिपेंडेंट आप काम कर रहे हो, तो अरुणाचल में बहुत काफ़ी सारे जो यूथ्स हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं और कोई सोच भी रहे होंगे कि वो जर्नलिज्म लाइन को फॉलो करें, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज यही होगा, कल प्रेस डे है ना, तो मैसेज तो पॉजिटिव ही होगा शायद, क्योंकि जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज़ ऑलवेज़ नीड फॉर गुड पीपल, जो भी फील्ड, और जर्नलिज्म में तो ज़रूर हमें यंग लोगों के बहुत ज़रूरत है, और एंथुजियास्टिक, वेल इन्फॉर्म्ड, है ना, एडुकेटेड यंगस्टर्स, इनका बहुत इनका प्रेजेंस, इनको जर्नलिज्म में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नो आजकल के दुनिया में हम सुनते हैं ना, फेक न्यूज़, र्यूमर्स, ये सब को अगर कम करना है, तो जो यंगर जनरेशन है जो अभी उभर आ रहे हैं, अगर जर्नलिज्म ज्वाइन करें, जर्नलिस्ट बने, एथिक्स फॉलो करें और अच्छा से काम करें, तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी को, सोसाइटी को सही इन्फॉर्मेशन देंगे, जो फेक है उसको कम करेंगे, है ना। तो इसी आई थिंक इनका
पार्टिसिपेशन, इनका इनको इनकरेज करना ज़रूर सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब जर्नलिस्ट का, सिवाय बस मेरा नहीं, सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इनकरेज करो। और जो चैलेंजेस है वो तो फेस करना ही होगा, चैलेंजेस फेस करके फिर जाके ये आगे जाके अच्छा जर्नलिस्ट बनेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।